Hello everyone, I am Shalini. Today I am going to explain you question answers of geography chapter 1 environment. So it will be easy for you to understand and learn. First question is explain the environment and its component. So what is environment and write their components. Everything in our surrounding is part of the environment. एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती है सभी इन्वायरमेंट का पार्ट होती है. द कंडीशंस विद इन विच द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर्म द इन्वायरमेंट. सो जो कंडीशंस जितनी भी कंडीशंस होती है जिससे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट फॉर्म करती है. द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर लाइफ ऑफ ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के humans, plants, animals की life, land, water and air. The environment is natural and human-made. Environment natural भी होता है और human-made भी होता है. Water, air, sunlight, trees and animals are natural environment. Okay? जो nature में already present होते हैं water, air, sunlight, trees are natural environment. Whereas man-made environment is roads, bridges, houses, etc. जो human made होते हैं humans ने बनाए हैं that are human made environment, man-made. Natural environment is divided into biotic and abiotic environment. Natural environment को two parts में divide किया है biotic environment and abiotic environment. Now next question, our survival depends completely on environment. Do you agree? हमारी जो लाइफ है हम जैसे हम सर्वाइव करते हैं वो कम्प्लीटली एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती है. क्या आप एग्री करते हैं? यस आर सर्वाइवल डिपेंड्स टोटली ऑन द एनवायरनमेंट. यस हमारा सर्वाइवल टोटली एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है. इट इज़ द एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स अस एंड मेक्स आवर एग्जिस्टेंस पॉसिबल. वी गेट ऑल आवर बेसिक नीड्स फ्रॉम एनवायरनमेंट. हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स होती है अदर नीड्स भी होती है सारी किससे फुलफिल होती है एनवायरनमेंट से. वी गेट वाटर टू ड्रिंक एंड फॉर अदर एसेंशियल नीड्स एयर टू ब्रीद इन लाइट फूड क्लॉथ्स एंड व्हाट नॉट. ओके जो पानी हम ड्रिंक करते हैं एयर ब्रीद करते हैं लाइट फूड क्लॉथ्स सब हमें किससे मिलता है एनवायरनमेंट से. वी बिल्ड आवर हाउसेज बाय कलेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट. हम जो हाउसेस बनाते हैं उसका भी रॉ मटेरियल किससे मिलता है एनवायरनमेंट से. वी मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट टू फुलफिल आवर नीड्स. हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट सपोर्ट्स ऑल लिविंग बींग्स. ओके सो एनवायरनमेंट ऑल लिविंग बींग्स को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है कंपेयर करना है नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट को. दिस वन इज वेन डायग्राम. इसमें क्या होता है साइड में डिफरेंस होता है और बीच में सिमिलैरिटी बताते हैं. ओके सो हमको नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंपेयर करना है. नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय नेचर. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है जो नेचर ने प्रोवाइड किया है. एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इज़ द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन. जो ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट होता है दैट इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. और सिमिलैरिटी क्या होती है बोथ आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ओके तो साइड में हम डिफरेंस बताते हैं और बीच में क्या बताते हैं सिमिलैरिटी. तो ये दोनों ही क्या है एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट कंपेयर अबायोटिक एलिमेंट्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. अबायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स को कंपेयर करना है. अबायोटिक एलिमेंट्स रिफर टू द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल लैंड रॉक्स. अबायोटिक एलिमेंट्स क्या रिफर करते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सच एज सॉइल लैंड रॉक्स एट्सेट्रा. और बायोटिक एलिमेंट्स रिफर टू द लिविंग थिंग्स सच एज ट्रीज एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स. बायोटिक एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स होते हैं ट्रीज एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एट्सेट्रा. अब सिमिलरिटी क्या होती है नेचुरल एनवायरनमेंट इज बोथ. ये दोनों ही नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है बायोटिक एंड अबायोटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स. अब ये स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि ये किसके डेफिनेशंस हैं
First, it consists of a variety of rocks and minerals. It provides us with land for forest, soil for agriculture. इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे rocks और minerals से बना हुआ होता है और it provides us with land for forest and soil for agriculture. Land भी होती है इसमें, forest and soil for agriculture. तो ये क्या है, लिथोस्फीयर. कौन सा पार्ट है ये, लिथोस्फीयर, जिसमें रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ होता है और इसमें लैंड सॉइल सब कंसिस्ट होते हैं. नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज सच एज ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड लैक्स एंड वाटर इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. आंसर वन इज हाइड्रोस्फीयर. ये कौन सा स्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जिसमें वाटर बॉडीज होती है, जितनी भी वाटर बॉडीज होती है सब हाइड्रोस्फीयर में आती है. नेक्स्ट, द नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. अब ये क्या है, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन होता है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर तीनों कॉन्टैक्ट में आते हैं और इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पर. नेक्स्ट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस गैसेस इज एटमोसफियर. एटमोसफियर क्या होता है, मिक्सचर होता है वाटर वेपर्स का, डस्ट पार्टिकल्स का एंड वेरियस गैसेस का. नेक्स्ट, हाउ इज बायोस्फियर डिपेंडेंट ऑन अदर स्फीयर्स, एक्सप्लेन. बायोस्फियर दूसरे स्फीयर्स पे कैसे डिपेंडेंट होता है. आंसर, द बायोस्फियर इज द स्फीयर इन विच लाइफ ऑफ ऑल काइंड्स एग्जिस्ट. बायोस्फीयर ऐसा स्फीयर होता है जिसमें सारी काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है. दिस डोमेन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. इस डोमेन को आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हो. क्यों, इट इज़ फाउंड इन दोज एरियाज वेयर ऑल द डोमेन्स लाइक एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर इंटरेक्ट इन अ बैलेंस्ड मैनर. ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दोज एरियाज में. उस एरिया में प्रेजेंट होता है जहाँ पर एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर तीनों स्फियर बैलेंस्ड मैनर में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज बायोस्फियर. सो बायोस्फियर डिपेंडेंट ऑन अदर स्फियर्स. डू यू थिंक एनी ऑफ द डोमेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव रीज़न. क्या आपको लगता है कि कोई सा भी पर्टिकुलर डोमेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? नो, पर्टिकुलर डोमेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई सा भी एक पर्टिकुलर डोमेन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. ऑल द डोमेन्स दैट इज लिथोस्फियर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. सारे जो डोमेन्स होते हैं, लिथोस्फियर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, देर इज़ डिफरेंस इन एटमोसफेरिक प्रेशर इन डिफरेंट रीजन्स विच लेड टू द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. अब इसमें एग्जाम्पल शो किया है कि हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर में जब हीटिंग होती है तो एटमोसफेरिक प्रेशर में भी डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से एयर मूवमेंट होता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर. द क्लाउड्स आर ऑल्सो कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर बाय विंड्स. क्लाउड्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं विंड्स की वजह से. वेन वाटर कम्स डाउन एज रेन, लैंड्स गेट वेट एंड सपोर्ट प्लांट्स एंड क्रॉप्स. जब रेनफॉल होता है तो लैंड्स भी वेट हो जाती है और वो भी प्लांट्स और क्रॉप्स को सपोर्ट करती है. लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ ऑल द डोमेन्स. सो लाइफ सारे ही डोमेन्स पे टोटली डिपेंडेंट होती है. वी कैन नॉट से दैट एनी पर्टिकुलर डोमेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो हम किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन को इम्पॉर्टेंट नहीं बता सकते हैं. सारे ही डोमेन्स, लिथोस्फीयर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होती है, ये हमें डायग्राम से एक्सप्लेन करना है. द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन अर्थ एज वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर. जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो अर्थ पे हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. क्यों, क्योंकि जो वाटर अपना फॉर्म चेंज करता था वन स्टेट से अनादर में. वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेपर विच टर्न्स इनटू क्लाउड्स. वाटर पहले वेपर में कन्वर्ट होता है फिर वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है. द क्लाउड्स कम डाउन एज रेन एंड फ्लो डाउन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. फिर क्लाउड्स एज अ रेनफॉल वापस नीचे आ जाते हैं
और वो रिवर्स और स्ट्रीम में बहने लग जाते हैं। अगेन ड्यू टू हीट, फिर जब वापस से हीट होती है तो वाटर फिर से वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो ये कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का एनवायरनमेंट में, उसे वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। हियर इज रिवर, ओके, ये ग्राउंड वाटर है। यहाँ से ये इवोपरेट होगा, ओशंस लेक्स एंड स्ट्रीम में से वाटर इवोपरेट हुआ, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो गए, कंडेंसेशन, ओके। ये प्लांट्स से ओशन रिवर्स में से सब में से पानी इवोपरेट हो रहा है, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे, फिर वापस यहाँ से ये प्रेसिपिटेट होके रेनफॉल होके फिर नीचे आ रहा है और ये फिर से सरफेस रन ऑफ हो गया, ओके। सो ये वाटर साइकिल है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर चेंज होता है और अगेन अपने फॉर्म में आके फिर से वो पूरी वाटर साइकिल बना लेता है, ओके, अंडरस्टूड।